नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। खबरों की शुरुआत करेंगे और बात यूपी के कासगंज जिले की करेंगे, क्योंकि कासगंज जनपद के पटियाली क्षेत्र में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से हुई 24 लोगों की मृत्यु की सूचना जब गांव कसा में पहुंची तो हाहाकार मच गया। आसपास के गांव की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सभी लोग मुंडन संस्कार के लिए गंगा जी जा रहे थे। ट्रैक्टर ट्रॉली में कुल 54 लोग सवार थे। कासगंज में हो चुकी है, पांच हमारे यहाँ एडमिट है और दो लोगों को डिस्चार्ज किया। कितने लोग रेफर है? रेफर चार करे गए थे अलीगढ़ के। सर, मरने वाले में कौन कौन लोग शामिल हैं? बच्चे? भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में होली का रंग चढ़ चुका है। ब्रज की गलियों से लेकर कुंज बिहारी के धाम तक सब होली के रंग में रंगे हुए हैं। शनिवार को द्वारकाधीश मंदिर में भी कान्हा ने होली खेली। इसको लेकर क्या कुछ वहां के लोगों ने कहा, सुनाते हैं आपको। मुष्टि मारक संप्रदाय एक ऐसा संप्रदाय है जहाँ तिथि, घड़ी, पल और नक्षत्र के हिसाब से सभी कार्यक्रम होते हैं। वैसे तो ब्रजमंडल में होली शुरू हो जाती है बसंत पंचमी के दिन से, लेकिन पुष्टि मारक संप्रदाय में जिस दिन पूर्णिमा होती है उस दिन होली का ढाणा करता है और पड़वा से प्रारंभ हो जाते हैं रसिया के सुप्रसिद्ध गायन। क्योंकि आज प्रातः काल, क्योंकि हमारे यहाँ एक और मान्यता है कि पुष्टि मारक संप्रदाय में औध्यात की तिथि ली जाती है, तो पूर्णिमा आज प्रातः काल आई तो प्रातः काल ढाणा गड़ा और पड़वा आ गई, इसलिए होली का गायन शुरू हुआ। इसराइल और हमास के बीच पिछले कई महीनों से युद्ध जारी है और ये युद्ध कब तक जारी रहेगा ये कहना मुश्किल है। इसी बीच इसराइल ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। इसराइल ने कहा है कि युद्ध की समाप्ति के बाद भी वह गाजा की गतिविधियों पर अपना नियंत्रण बनाए रखेगा। इसके तहत गाजा की रोजमर्रा की प्रशासनिक गतिविधियां और सुरक्षा उसकी निगरानी में रहेंगी। गाजा में युद्ध विराम के प्रयास के बीच नेतन्याहू ने इसराइल के भविष्य की योजना का प्रारूप सार्वजनिक किया है। इसमें साफ किया गया है कि इसराइल हमास के खात्मे के अपने लक्ष्य से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटा है और भविष्य में गाजा की प्रशासनिक नियंत्रण व्यवस्था में किसी भी रूप में हमास को शामिल किए जाने के खिलाफ है। जिसे लगता है मेरा बिजली का बिल गलत है वो फाड़ के फेंक सकता है, मैं ठीक करा दूंगा। जी हां, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को दिया आश्वासन। 90-95% लोगों के बिजली के बिल गलत हैं, जिसको लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने यह बात कही। लाखों में आए हम लोगों को राहत देने के लिए स्कीम लेकर आए हैं, बीजेपी के एलजी ने नहीं लागू होने दिया गया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जनता का साथ मांगा। इसके साथ ही वो बोले कि भूख हड़ताल पर बैठना पड़े लेकिन स्कीम पास करवा कर रहूंगा। बीजेपी की दुश्मनी मुझसे है और आम आदमी पार्टी से है, दिल्ली की जनता से क्यों दुश्मनी निकाल रही है बीजेपी? काल में कोरोना की वजह से कई महीने मीटर रीडर मीटर रीडिंग लेने नहीं गए, उन्होंने दफ्तर में बैठ के ही अपनी फर्जी मीटर रीडिंग भर दी, उसकी वजह से गलत बिल आने लगे, जनता ने भरे नहीं, उस पर इंटरेस्ट लगता गया, उस पर एलपीसी पेनल्टी लगती गई और बिल लाखों में पहुंच गए। इसकी वजह से पूरी दिल्ली के अंदर हमने एक असेसमेंट किया है, लगभग 11 लाख परिवारों के बिल गलत आ रहे हैं दिल्ली के अंदर। 11 लाख परिवारों के बिल ठीक नहीं किए जा सकते, ठीक करने लग गए 80 साल लगेंगे। तो हम एक स्कीम लेके आए हैं कि ये जो पुराने बिल जिनके गलत आ रहे हैं इनके बिल ठीक किए जाएं ऑटोमेटिक कंप्यूटर में डाल के। जिन लोगों की पुरानी 5 साल में 2 ओके रीडिंग है उसका एवरेज निकाल लेते हैं, जो ओके है, जो कस्टमर ने कहा हाँ ओके है, हमने भी कहा ओके है, उसकी ओके रीडिंग की एवरेज निकाल लेते हैं और सारे महीनों की उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे हमारा अपना। और जिस जिसकी 20,000 से कम आएगी उसके 0 कर देंगे। हमारा अपना अनुमान है 90-95% जिन लोगों के गलत बिल है उनका 0 बिल हो जाएगा, जो आज धक्के खा रहे हैं बेचारे। आज लोग जल बोर्ड के चक्कर काट रहे हैं, जल बोर्ड में रिश्वत दे दो तो बिल ठीक हो जाता है, नहीं दो तो नहीं होता। तो मेरा सबसे एक तो ये निवेदन है कि आपको जिन जिन लोगों को लगता है बिल गलत आ रहे हैं बिल भरने की जरूरत नहीं है, फाड़ के फेंक दो, मैं हूँ, मैं ठीक करा दूंगा। दूसरी चीज, हम एक स्कीम लाए हैं, उस स्कीम के तहत ये जैसे मैंने बताया ओके रीडिंग वालों का
के हिसाब से निकालेंगे तो 95% दिल्ली के जीरो हो जाएंगे बिल, लेकिन बीजेपी वालों ने, एलजी बीजेपी के हैं, बीजेपी वालों ने एलजी को कह के ये स्कीम रुकवा दी, दिल्ली के अंदर अफसरों से कह के ये स्कीम रुकवा दी। ये बहुत गलत बात है, जनता के हित की स्कीम है, जनता पब्लिक वेलफेयर की स्कीम है, बीजेपी को ये नहीं करना चाहिए। बीजेपी की दुश्मनी आम आदमी पार्टी से है, केजरीवाल से है, जनता से क्यों दुश्मनी निकाल रहे हैं? तो बीजेपी ने एलजी को कह के निकलवा दी। आज मैं आप सब लोगों के बीच में आपका साथ मांगने के लिए आया हूँ, आप मुझे साथ दीजिए, मेरा साथ दीजिए, ये स्कीम मैं लागू करवा के छोड़ूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे भूख हड़ताल पे बैठना पड़े, चाहे मुझे जो मर्जी करना पड़े। एलजी से जैसे जितने और सारे काम करा दिए, ये वाला काम भी आपका करा के छोड़ूंगा। कोरोना काल में कोरोना की वजह से उधर जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला की पार्टी को लगातार दूसरा झटका लगा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और पूर्व एमएलसी मोहम्मद रफीक शाह बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने जम्मू बीजेपी दफ्तर में अपने समर्थकों के साथ रविंदर रैना की मौजूदगी में पार्टी का दामन थामा है। रफीक शाह से पहले पूर्व एमएलसी और जम्मू कश्मीर की बड़ी महिला नेता शहनाज गनई ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को अलविदा कह दिया था। शनिवार को मोहम्मद रफीक शाह के साथ ही मोहम्मद अयूब पहलवान भी अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना और लोकसभा सांसद जुगल किशोर शर्मा के साथ डीडीसी इकबाल मलिक बीजेपी में शामिल होने वाली सहमति के सदस्य नेता महाजन और पहाड़ी सेल के सह संयोजक डॉक्टर मीर खुर्शीद ने पार्टी में नए लोगों का स्वागत किया। इस दौरान रविंद्र रैना ने कहा कि बीजेपी में लोकतांत्रिक लोकाचार और देशभक्ति की भावना गहरी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी कैडर हमेशा जमीन पर है, जरूरतमंद व्यक्तियों की मदद करने में सबसे आगे है और हर व्यक्ति को सशक्त बनाने के मिशन को हासिल करने के लिए मोदी सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं कि हर विकास योजना हर वर्ग को शामिल करने के लिए सर्वे समावेशी हो। बता दें कि हाल ही में जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक बड़ी महिला चेहरा शहनाज गनई बीजेपी में शामिल हुई थी। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने उन्हें बीजेपी में शामिल कराया। शहनाज गनई पुंछ जिले की मंडी तहसील से ताल्लुक रखती हैं और उन्हें स्थानीय राजनीति में प्रमुख चेहरा माना जाता है। 25 वर्ष से एक मूवमेंट चला रहा था जम्मू कश्मीर के पहाड़ी कबीले को हक इंसाफ दिलाने की खातिर, क्योंकि हमारा जो पहाड़ी कबीला है वो 75 वर्ष पहले रियासत को तोड़कर एक साजिश के तहत गुलामी की दलदल में झोंक दिया गया था और हमारा एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो रजाकाराना तौर वॉलंटियरली पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया था, जिस पर पाकिस्तान का नाजायज कब्जा है और वहाँ हमारे पहाड़ी कबीले के लोग रहते हैं और यहाँ पर जो पहाड़ी लोग बच गए उनको लाकर हाशिए पर खड़ा कर दिया गया था और उनके पॉलिटिकल राइट्स, सोशल राइट्स, इकोनॉमिक राइट्स जो हैं सब सलब थे। बिहार की राजनीति में खेला थमने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संयोजक और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने नीतीश कुमार को लेकर एक अजीबोगरीब बयान दिया है। मांझी ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा, तुमने हमें सीएम बनाया था, हमने तुम्हारी सरकार बचाई, एहसान चुका दिया। आखिर क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं आपको। सत्ता में यदि अपनी अहमियत बरकरार रखनी है तो एहसान करते और जताते रहिए। ये बात किसी दार्शनिक ने नहीं कही है, बल्कि बिहार की मौजूदा राजनीति पर लागू होती है। पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी कि एचएएम के प्रमुख जीतन राम मांझी ने बीते शुक्रवार को कहा कि उन्होंने बिहार में एनडीए के साथ सरकार बनाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपना समर्थन देकर उनका एहसान चुकाया है। आखिर कौन सा वो एहसान था जिसको लेकर जीतन राम मांझी ने कहा? एक कार्यक्रम में बोलते हुए जीतन राम मांझी ने याद दिलाया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फ्लोर टेस्ट के दौरान बिहार विधानसभा में कुल 125 वोट हासिल किए थे। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने कुमार को 4 वोट दिलाने में योगदान दिया।
बीते महीने महागठबंधन से नाता तोड़ने के बाद नीतीश कुमार ने 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। मांझी ने कहा कि बिहार विधानसभा में सरकार बनाने के लिए 122 वोटों की जरूरत थी और नीतीश कुमार को 125 वोट मिले। हमारा योगदान 4 वोटों का था। अगर उन 4 वोटों को हटा दिया जाए तो यह 121 वोट होते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करते तो नीतीश जी की सरकार गिर जाती। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि नीतीश कुमार ने मुझे मुख्यमंत्री बनाया था, इसीलिए अब मैं कह सकता हूं कि मैंने भी अपना एहसान चुका दिया, बल्कि हमारा एहसान अब ज्यादा है। मांझी ने आगे कहा कि नीतीश कुमार ने एनडीए में शामिल होकर सही फैसला लिया है। उन्होंने बिहार के लोगों से उनकी सरकार के लिए वोट करने की अपील की और कहा कि राज्य में शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लागू करने की दिशा में काम करेंगे। हम नीतीश कुमार के साथ लेंगे, तो जो पीछे खड़े थे 10 विधायक, जब हम आ गए तो वो भी 10 को आ गए, तो आपने देखा कि 130 का नंबर आ गया इनके साथ। तो मेरा कहने का मतलब है, हमको उन्होंने बनाया था मुख्यमंत्री, तो हम भी दावे के साथ कर सकते हैं, या हमारा गरीब कर सकता है कि जीतन मांझी ने भी नीतीश कुमार को बदला चुका दिया। नीतीश कुमार ने महागठबंधन सरकार के दौरान जातिगत सर्वे कराया था, जिसका आंकड़ा उन्होंने विधानसभा में रखा। इस दौरान सदन में जीतन राम मांझी ने जातिगत सर्वे पर सवाल उठाए थे। नीतीश कुमार नाराज हो उठे थे। उन्होंने अपनी सीट से खड़े होकर कहा था कि इसको कौन जानता था, मेरी मूर्खता की वजह से मुख्यमंत्री बन गया था, इसे कोई समझ है क्या। दरअसल जीतन राम मांझी बिहार के 23वें मुख्यमंत्री बने थे, जबकि दलित समुदाय के 3रे मुख्यमंत्री थे। 20 फरवरी 2014 से 20 फरवरी 2015 तक सीएम थे। महज 9 महीने के कार्यकाल के बाद उन्हें नीतीश कुमार के दबाव में इस्तीफा देना पड़ा था। बहरहाल नीतीश कुमार को जीतन राम मांझी को घेरने का सिलसिला लगातार जारी है। हालांकि नीतीश कुमार की तरफ से अभी तक मांझी को लेकर कोई बयान सामने नहीं आया है। स्पेशल डेस्क आर्य न्यूज। के बाद आखिरकार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सीट बंटवारे पर सहमति बन गई है। अब दोनों ही लड़के यानी कि दोनों ही नेता, चाहे समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव हो या फिर कांग्रेस से राहुल गांधी, एक साथ नजर आएंगे। रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं आपको। कई दिनों की राजनीतिक रस्साकशी के बाद आखिरकार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सीट बंटवारे पर सहमति बन ही गई। लखनऊ में दोनों दलों के संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में 21 फरवरी को सीट बंटवारे की औपचारिक घोषणा भी कर दी गई। उत्तर प्रदेश में कुल 80 लोकसभा सीट है। इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 17 सीट पर चुनाव लड़ेगी, वही बाकी 63 सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस अमेठी, रायबरेली, कानपुर नगर, सीतापुर, फतेहपुर सीकरी, बांसगांव, प्रयागराज, महाराजगंज, वाराणसी, बाराबंकी, देवरिया, अमरोहा, झांसी बुलंदशहर, सहारनपुर, मथुरा और गाजियाबाद सीट पर चुनाव लड़ेगी। गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश की खजुराहो सीट पर चुनाव लड़ना चाहती थी, जिसके लिए कांग्रेस सहमत हो गई है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर कैसे सपा और कांग्रेस के बीच सहमति बनी। दरअसल दोनों ही दलों में सीट को लेकर खींचतान करीब एक महीने से जारी थी। जनवरी में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ऐलान किया था कि उनकी पार्टी कांग्रेस को 11 सीट देने को तैयार है। यह तब की बात है जब जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोक दल विपक्ष गठबंधन इंडिया हिस्सा थी। उस वक्त कांग्रेस 11 सीटों पर राजी नहीं हो रही थी। कांग्रेस की ओर से बार बार सीट बढ़ाने को लेकर दबाव बनाया जा रहा था। कांग्रेस 20 सीट की मांग पर अड़ी थी। तकरीबन एक महीने से कांग्रेस के तमाम बड़े नेता बार बार कहते रहे कि सीट बंटवारे पर अभी सहमति नहीं बनी है और बातचीत जारी है। वहीं अखिलेश यादव देरी होने का हवाला देते रहे। उन्होंने सीट बंटवारे पर सहमति बनाने के बाद ही राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए हामी भरने को लेकर दबाव बनाया। उसके बाद कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व सीट की संख्या को लेकर मीडिया में बयान देने से बचता रहा। साथ ही चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे और जयराम रमेश दोनों ही दोहराते रहे कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ ही मिलकर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। अब आपको बताते हैं कि सपा की नहीं बल्कि कांग्रेस की दबाव की राजनीति सफल रही। अब सहमति बनने के बाद राजनीतिक गलियारों में इस तरह की चर्चा जोरों पर है कि अखिलेश यादव के दबाव की राजनीति के आगे कांग्रेस झुक गई। कांग्रेस को 20 की जगह
पर 17 सीट पर तैयार होना पड़ा। हालांकि सीटों पर जो सहमति बनी है और उत्तर प्रदेश की राजनीति समीकरण पर नजर डालेंगे तो कहानी कुछ और है। दरअसल उत्तर प्रदेश में कांग्रेस झुकी नहीं बल्कि अखिलेश यादव को बदलते राजनीतिक समीकरण में कांग्रेस की बात मानना पड़ा। इसमें ही समाजवादी पार्टी की भलाई है। इसके साथ ही चुनाव लड़ने के लिए 17 सीट मिल जाना कांग्रेस के लिए बहुत ही बड़ी बात है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की प्रेशर पॉलिटिक्स के आगे कांग्रेस झुक गई। जहां मुरादाबाद है वहीं मुरादाबाद रहेगा। सीट शेयरिंग को लेकर सर कांग्रेस की सीट शेयरिंग में कोई बात नहीं है। जो बातचीत होनी थी वो बातचीत हो चुकी है पूरी। गाजीपुर से कल रायबरेली में इंडिया न्यूज़ के पत्रकार के साथ राहुल गांधी जी ने उसके बारे में क्या विचार है? मुझे जानकारी मिली और आप लोगों के माध्यम से मुझे जानकारी मिली है कि एक पत्रकार साथी के साथ। अरे मुरादाबाद वाले आप लोग क्यों सवाल पूछते हुए? एक बार तो हमारे साथ भी हंगामा किया था आपने, FIR तक बात पहुंच गई थी। तो अब उनसे दोस्त कोई बात हुई होगी तो उसको संभाला जाएगा और पत्रकार का पूरा सम्मान किया जाएगा। इसके बजाय ये कहना अधिक सही होगा कि कांग्रेस की कमजोर जनाधार के बावजूद राजनीतिक ताकत को देखते हुए अखिलेश यादव को अधिक सीट देने को मजबूर होना पड़ा। बहरहाल उत्तर प्रदेश के राजनीतिक समीकरण का गौर से विश्लेषण करने पर इन दोनों ही पहलू को बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। स्पेशल डेस्क आर्या न्यूज। लोकसभा चुनाव को लेकर लगभग सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। वहीं बीजेपी ने इस महीने के आखिरी में और मार्च के पहले सप्ताह तक उत्तराखंड में चुनावी सभाएं और ताबड़तोड़ रैलियां करने का फैसला किया है। रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं आपको। सियासी गलियारों में लोकसभा चुनाव का शोर शुरू हो गया है। सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक सभी ने अपने राजनीतिक हथियारों को उठाना शुरू कर दिया है। संगठन से जुड़े सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इसी माह आखिर में गढ़वाल और कुमाऊं का दौरा कर सकते हैं। इस दौरान उनकी सभाएं भी होंगी। पार्टी ये मानकर चल रही है कि मार्च के दूसरे हफ्ते तक लोकसभा चुनाव की आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो सकती है। इस संभावना को देखते हुए अगले 15 दिनों के दौरान कई केंद्रीय नेताओं के उत्तराखंड में दौरे हो सकते हैं। कुछ बड़े सम्मेलन कराने की तैयारी में भी है जिनमें केंद्रीय नेताओं को आमंत्रित किया जा सकता है। अगले 15 से 20 दिन में पार्टी अपने प्रत्याशी घोषित कर सकती है। वहीं राष्ट्रीय परिषद की बैठक में शीर्ष नेताओं का मंत्र लेकर उत्तराखंड के 250 प्रतिनिधि विकसित भारत के लिए मोदी फिर से का नारा बुलंद करने के लिए पार्टी पदाधिकारियों का प्रेरित करेंगे। अगले 100 दिनों में भाजपा के हर नेता पदाधिकारी जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता के पास सबसे मुख्य कार्य होगा कि वे केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के हर लाभार्थी तक पहुंचे। साथ ही फर्स्ट टाइम वोटर यानी नव मतदाता तक अपनी पहुंच बनाए ताकि उन्हें केंद्र की भाजपा नीत राजग सरकार की उपलब्धियों और भावों संकल्पों के बारे में जागरूक कर सके। अलग अलग बैठकों और मंत्रणाओं सभी प्रतिनिधियों को ये नसीहत दी गई है कि वे अगले 100 दिन विपक्षी की तूतू मैमे की सरकार में नहीं फंसेंगे। 10 वर्ष में केंद्र सरकार की उपलब्धियां पार्टी की मुख्य चुनावी हथियार होगा। लोकसभा चुनाव में लाभार्थी योजना से क्या बदला? अयोध्या में राम मंदिर अनुच्छेद 370 हटाया, कर्तव्य पद, नई संसद, 3 तलाक, बन रैक बन पेंशन, विदेश नीति दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था के मुद्दों पर प्रचार करेगी। प्रदेश में पार्टी ने दूसरे दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं को पार्टी में शामिल करने का जो अभियान शुरू किया है उसमें तेजी आएगी। पार्टी जनाधिकार वाले नेताओं के साथ अब अपने समाज समुदाय संगठन में प्रभाव रखने वाले लोगों को पार्टी में शामिल कराएगी। दूसरी तरफ पांचों लोकसभा सीटों पर 35 दावेदारों के नामों पर दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में चर्चा हुई। हरिद्वार लोकसभा सीट से हरीश रावत 2009 में सांसद रह चुके हैं। इसके बाद लगातार 2 बार से भाजपा इस सीट पर अजेय रही है। हरिद्वार से टिकट को लेकर नाना करते हुए हरीश रावत की इस सीट पर दावेदारी चौंकाने वाली है। बेटे वीरेंद्र रावत ने भी पिता के साथ इस सीट पर दावेदारी पेश की है। वहीं सूत्रों के मुताबिक अल्मोड़ा पिथौरागढ़ सीट पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य को प्रबल दावेदार माना जा रहा था लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ने से हाथ खड़े कर लिए। बताया जा रहा है कि ऐसा उन्होंने इस लोकसभा का बड़ा दायरा होने के साथ ही यहाँ लंबे समय से सक्रिय होने के आधार पर किया है। बहरहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह से उत्तराखंड में बीजेपी अपनी ताबड़तोड़ बैठकें करेगी उससे विपक्षी गठबंधन पर कितना असर पड़ेगा। स्पेशल डेस्क आर्या न्यूज। चलिए
चलिए इसी के साथ बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।